वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी। तो फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 600 ग्राम फिश। यहाँ पे मैं रोहू फिश यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने नमक के पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे फिश को। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बॉल, जिसमें मैं सबसे पहले डालूंगी 2 टीस्पून बेसन। फिर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद है, आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 2 टीस्पून लेमन जूस। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब ये बैटर एकदम रेडी। हम इसमें डालेंगे अभी फिश। एक एक करके हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि फिश टूट ना जाए। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। हम इसको रेस्ट करने रखेंगे करीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद मैंने यहाँ पे लिया एक पैन, जिसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। फिर हम इसमें शैलो फ्राई करेंगे फिश को। अगर आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। एकदम ध्यान से डालना है फिश को, ताकि फिश टूट ना जाए। तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अगर आप चाहो तो सिंपल फिश करी भी बना सकते हो, लेकिन आप अगर मैरिनेट करके फिश करी बनाओ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फिश का। तो 5 मिनट बाद हम इसको अभी टर्न कर लेंगे, जिससे थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। तो 5-5 मिनट दोनों साइड को पकाना है अच्छे से, ताकि बेसन जो है अच्छे से पक जाए। तो अब ये अच्छे से शैलो फ्राई हो चुका है, हम इसको रखेंगे साइड में। अब मैं ले रही हूँ आप एक कढ़ाई, जिसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल। तो जैसे ऑयल गर्म हो जाता है, मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, एक दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल, 1 जावित्री। फिर इसमें जाएगा 2 प्याज, जो कि मैंने मीडियम साइज लिए थे। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। फिर हम इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जैसे थोड़ा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिला लें। जैसे आपको लगा ये पक गया है, तो फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसको भी अच्छे से मिला ले। फिर इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। इसको भी मिला लेंगे। फिर इसमें जाएगा 1/2 कप इमली का पानी। तो जैसे एक बॉईल हो जाता है, मैं इसमें डालूंगी 2 कप पानी। इसको अच्छे से पकने देना है करीबन 20 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे फिश को। जैसे ही ग्रेवी थिक हो जाए,
तो जैसे ही ग्रेवी थिक हो जाए हम इसमें डालेंगे अभी फिश जो कि हमने शैलो फ्राई कर लिया था। एकदम हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि फिश टूट ना जाए। तो इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है और फिश भी अच्छे से पक चुकी है जब हमने शैलो फ्राई किए थे। तो 5 मिनट बाद मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ धनिया। तो अब ये फिश करी एकदम रेडी है खाने के लिए। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो लोगों ने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।